बेबैन में तैनात हेड कांस्टेबल ने 16 वर्षीय नाबालिग लड़की के साथ किया दुष्कर्म। पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत किया मामला दर्ज। पुलिस अधीक्षक ने आरोपी हेड कांस्टेबल को बर्खास्त किया। जांच जारी। सेवा सुरक्षा और सहयोग का नारा देने वाली पुलिस ही जब अमानवीय कार्य करे तो जनता का विश्वास खाकी से उठ जाता है। ऐसा ही एक मामला कुरुक्षेत्र के बबैन कस्बे के थाना से सामने आ रहा है, जहां इंद्री के रहने व थाना बबैन में हेड कांस्टेबल के पद पर तैनात पुलिसकर्मी ने 16 वर्षीय नाबालिग को बहला फुसलाकर थाने में ही दुष्कर्म कर दिया। पीड़िता ने आप बीती अपने घर वालों को बताई, जिसके बाद परिजनों ने थाने में शिकायत दी। परिजनों के मुताबिक पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। इसके बाद लड़की की तबीयत खराब हो गई, जिसे CHC बबैन में भर्ती कराया गया, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी हेड कांस्टेबल श्यामलाल के खिलाफ पॉक्सो एक्ट में मामला दर्ज करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। हेड कांस्टेबल श्यामलाल नाबालिग को बहला फुसलाकर थाने के मित्र कक्ष में ले गया और उसके साथ रेप किया। वहीं पुलिस अधीक्षक कुरुक्षेत्र सुरेंद्र सिंह भोरिया ने थाने में पहुंचकर जायजा लिया। बातचीत में उन्होंने बताया कि आरोपी हेड कांस्टेबल के खिलाफ कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार कर लिया गया है, सभी तथ्यों पर जांच की जा रही है। वहीं आरोपी हेड कांस्टेबल को बर्खास्त किया जाएगा। ऐसा जनाब, 5वें महीने की 17 तारीख को अपनी मम्मी के साथ हमारी लड़की देवरिया जिले में चली गई थी, तो 2 महीने के बाद वो घर आई, तो हमने उसके दिमाग हमने केस दर्ज करवा दिया था बैन थाने में। तो केस दर्ज करवाने के बाद तो जी FIR दर्ज होगी, तो हमने फिर कहा जी उससे अगर ये बोले कि भाई पर्चा दर्ज हो गया और आपने उनके बयान करवाने पड़ेंगे। तो जी हम 17 तारीख को लेकर आए, तो जसविंदर सिंह बोले भाई मैं छुट्टी पर हूँ, बीमार हूँ, और आप 22 तारीख को आ जाना। हम बबैन थाने में 22 तारीख को लेकर लड़की को पहुँचे, लड़की को और उसकी मामी को। तो जी ये श्यामलाल बोला अग भाई ऐसा करो, जसविंदर की तलने नहीं दी, अग मैं इसको यहीं का यहीं निपटा दूँगा, और आप ऐसा करो इसको एफिडेविट बनवा कर लाओ सारे की। तो जी हम 5-6 जने एफिडेविट बनवाने चले गए जी, मैं पराले के उसमें दफ्तर में। तो जी वहाँ मामला आज पौन घंटा लग गया। आज पौन घंटा लगने के बाद जी ये बंदा इसको मेरी सास को, उस लड़की की नानी को और उस लड़की को वहाँ लेके गया, बोले वहाँ इसके बयान लेंगे, उस कमरे में लेके चलो इस लड़की को। तो जी लड़की वहाँ कमरे में ले गए, बुढ़िया को बोला आप इधर बैठो हॉल में, मैं इसके बयान लेता हूँ। तो जी लड़की के साथ उनने जाके मुंह बीचा, तो कुंडा लगा के उसके साथ बलात्कार किया। श्याम लाल है जी SI होलदार जी। तो जी इसने तो मारे से फिर उन्हें बंदे भेजे, अब 5 लाख ले लो, 2 लाख ले लो, 4 लाख ले लो, और जो ना लिए तो मैं तो मरेगा, फिर तुमने उड़ाऊंगा धरका। मारे से मारने की भी धमकी दी जी, मेरे से बार बार धमकी दे रहा है, ठीक है जी। मन ने श्याम लाल से डर है और लड़की ने भी डरा जी, अब मैं तो गया अपनी जिंदगी से, और लेकिन इनको भी करूँगा। लड़की से 100 रुपये भी दिए, मोबाइल नंबर भी दिया, बोला जो तेरे घर के तेरे को तंग करा तो मेरे में फ़ोन कर दिए, मैं सारे ने अंदर ठुकूँगा और इनके साथ मुकदमा दर्ज करूँगा। मेरे साले से यह बात कही आके इसका मेडिकल मत करवाना, जो मेडिकल करवाओगे तो इस पर बेरन कितने वो लगेंगे, क्या आप तक कहाँ कहाँ धक्के खाए होंगे, क्या क्या करे होगा। जब उसने अपना था जी, लेकिन लड़की ने उसके जब वो बताना चाही तो लड़की ने बताना चाहा तो जी अपना गेल की गेलो आँख काट दे नहीं या चुप रहेगी। जिस टाइम से श्यामलाल पास गया तो लड़की कुल्ची भर के रोई, अगर मम्मी और मामी जी मेरे को इसने बलात्कार किया। तो जी फिर मेरे पास घर पहुँचे, घर पहुँचने के बाद इनने यह बात कही अगर मास्टर जी उसने SI ने मेरे साथ बलात्कार किया। मैं बोला मखा अच्छा यह बात है, तो मैंने राजवीर भाई से भी कहा, महाराज वीर भाई नो नो करके बात होगी, इसने इन्हें होलदार ने वहाँ श्यामलाल ने इसके ऐसा जनाब मारे से ड्राबे दे रहा, कभी मारने के कभी कहेंगे जी, और हमने उससे डराया और करड़ी से करड़ी उसकी कार्रवाई की जाए, दोषी को दोषी करार दिया जाए। मैं दोनों को इस 16 साल की बच्ची के साथ जो बलात्कार किया, ऐसे बंदे को फांसी की सजा होनी चाहिए, ऐसी सरकार में ऐसे को जब फांसी होनी चाहिए। मैं दोनों को ऐसे ऐसे के बच्चे भी नुए फिरेंगे बेरुआ ब्राह्मण दे।
जो पुलिस राक्षस राक्षस बन के बक्षस बन गई तो हमारा क्या फायदा फिर किसी खड़े में जाने का क्या और का, तो जी हमारा क्या कहेंगे मुंह दिखाने का और आ गया थाना हमारा सारा था थाने में हमारे साथ ये हरकत हुई तो हम क्या मुंह दिखाएंगे, किससे क्या कहाँ जाएंगे, कौन हमारी लड़की से शादी करेगा। कांस्टेबल है बगैन थाने में तैनात है, इसके खिलाफ रेप के एलिगेशन पे जैसी सूचना प्राप्त हुई तुरंत FIR दर्ज की गई और इसे राउंड अप किया गया, इनिशियल पूछताछ की और विक्टिम का मेडिकल कराया गया और जो फॉर्मेलिटीज हैं वो पूरी की गई और जो उस हेड कांस्टेबल को की एलिगेशन गंभीर है तुरंत प्रभाव से गिरफ्तार किया गया है और इसकी तफ्तीश DSP शाबा द्वारा अमल में लाई जा रही है। तो सर आगे क्या क्या प्रोसीजर रहेगा सर? देखिए जो एलिगेशन है वो बड़े गंभीर हैं, इसको मद्देनज़र हेड कांस्टेबल को हम आज ही बर्खास्त कर रहे हैं नौकरी से और ताकि तफ्तीश में किसी प्रकार की दिक्कत ना हो।